तो हम तो ये बिल को समर्थन करेंगे, लेकिन हम लोगों का ये सुझाव होगा कि इसमें श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी श्रीलंका से ऐसा रिपोर्ट अतीत में आया है कि वहाँ भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके ऊपर थोड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोगों का सुझाव होगा श्रीलंका को भी इंक्लूड कर दिया जाए। दूसरी बात है कि ये सरकार का ड्यूटी होगा, कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश का जो मुस्लिम संप्रदाय है उनके मन में कोई भी भावांतर नहीं होना चाहिए, कोई गलत फहमी नहीं पैदा होना चाहिए कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बीजू जनता दल एक सेकुलर पार्टी है, हमारे नवीन पटनायक एक सेकुलर लीडर हैं, तो हम ये चाहेंगे सरकार ऐसा एक माहौल तैयार करे जिससे मुसलमानों के मन में भी ये भय न पैदा हुए कि उनके प्रति भी कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि इस बिल को लेकर के कोई राजनीतिक करना नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पर राजनीति ये देश के लिए राष्ट्र के लिए ठीक बात नहीं है।